रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काब बिन अशरफ यहूदी इस्लाम का पक्का दुश्मन, उसका काम कौन तमाम करेगा कि उसने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत तकलीफ़ दे रखी है। मोहम्मद बिन मसलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा। चनाचे वो उसके पास गए और कहा कि एक या दो वस्क गल्ला कर्ज लेने के इरादे से आया हूँ। काब ने कहा, लेकिन तुम्हें अपनी बीवियों को मेरे पास गिरवी रखना होगा। मोहम्मद बिन मसलमा और उनके साथियों ने कहा कि हम अपनी बीवियों को तुम्हारे पास किस तरह गिरवी रख सकते हैं जबकि तुम सारे अरब में खूबसूरत हो। उसने कहा कि फिर अपनी औलाद गिरवी रख दो। उन्होंने कहा कि हम अपनी औलाद किस तरह गिरवी रख सकते हैं, उसी पर उन्हें गाली दी जाएगी कि एक दो वस के गले के लिए गिरवी रख दिए गए तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। अलबत्त हम अपने हथियार तुम्हारे यहाँ गिरवी रख सकते हैं। फिर मोहम्मद बिन मसलमा उससे दोबारा मिलने का वादा करके चले आए और रात को उसके यहाँ दोबारा पहुँचकर उसे कत्ल कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी।